गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सभी ठीक होंगे। क्लास थर्ड का हम चैप्टर पढ़ा रहे थे द शीप ऑफ द डेजर्ट। आज हम कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, लायन और जो कैमल होते हैं वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे की मतलब कि किस तरह से वो लायन जो है वो कैमल को बोलता है कि किस तरह से आप लाइफ बिताते हो डेजर्ट में, और जो कैमल होता है वो कहता है कि आप किस तरह से मतलब कि फॉरेस्ट में अपना लाइफ जो है वो स्पेंड करते हो। तो इन दोनों की बातें हो रही है, तो आगे से कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। लायन कहता है माई फीट आर पैडेड टू थॉर्न्स, डोंट प्रिक दैम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एंड आर। अब लायन अपने पैरों के बारे में बातें करता है कि मेरे जो मतलब पंजे हैं वो बहुत ही गद्देदार हैं, जिनमें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 80 किलोमीटर जो है एक घंटे में दौड़ सकता हूँ। कैमल कहता है दैट इज़ ट्रू, यू कैन रन 80 किलोमीटर एंड आर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉर्स। अच्छा, क्या ये सही है, क्या तुम वाकई 80 किलोमीटर जो है एक घंटे में भाग सकती हो, मतलब दौड़ सकती हो? क्या तुम इसी तरह से भाग सकते हो, एकदम से गर्म सैंड पे मतलब गर्म मिट्टी या गर्म रेत के ऊपर भाग सकते हो? लायन कहता है मे बी नॉट, शायद। कैमल एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? और क्या तुम कह रह सकते हो बिना पानी के, वो भी एक हफ्ता? लायन जो होता है वो एकदम से शॉक हो जाता है, नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। नहीं, मुझे तो पानी की ज़रूरत रोज़ होती है, मैं तो बिना पानी के नहीं रह सकता हूँ। अब तुम ये मत कहना कि तुम बिना पानी के रह सकते हो, ये लायन कह रहा है किसे, कैमल को। कैमल, यस आई कैन, मैं रह सकता हूँ। There are no rivers or lakes in the desert, but that does not bother me. I can drink 200 bottles of water at a time. अब कैमल कहता है कि हाँ, मैं बिना, देखो अब आपको पता है कि डेजर्ट में कोई रिवर कोई लेक नहीं है, और आपको पता है मैं एक टाइम पर 200 बॉटल्स जो है पानी जो है मैं पी सकता हूँ, 200 बॉटल। लायन, रियली यू मस्ट हैव ए बिग स्टोमैक, तुम्हारा तो बहुत बड़ा पेट है। कैमल अपने आप में बड़ा प्राउडली करता है, मतलब बड़ा ही वो अब सोचता है कि मेरी बड़ी प्रेज हो रही है। येस आई हैव ए बिग स्टोमैक, आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक एंड आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 weeks इवन। हाँ, मैं पानी जो है वो मैं अपनी स्टोमैक में रिस्टोर कर सकता हूँ, इवन कि मैं खाना भी जो है वो 2 weeks तक स्टोर कर सकता हूँ। लायन शोइंग ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, यार आप ये मतलब मैं ये सुन के मुझे जो है बड़ा ही मतलब बड़ा इंटरेस्ट लगा मुझे ये सुनकर। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम अपने पेट में, मतलब ये लायन कह रहा है कैमल को, क्या तुम अपने पेट में ये सब स्टोर करते हो? कैमल, नो नो नो, आई डोंट, आई स्टोर इन माई हम, आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर ए फॉर्टनाइट। मतलब कि हम्प होता है कैमल, आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि ये कैमल है ना, ये रहा कैमल का पिक्चर, ठीक हो, यहाँ से इसका फेस है, ये नेक क्या है, यहाँ से इसका ये, इसको हम बोलेंगे हम्प। तो कैमल जो है वो यहाँ पर अपना फूड जो है और पानी जो है स्टोर करके रखता है। और कैमल कहता है कि जब मैं बहुत सारा खाना खा लेता हूँ एक बार, तो मुझे जो है मतलब कई रातों तक मैं जो है खाना नहीं खा के रह सकता हूँ। That is interesting, but what you eat? ये तो बड़ी interesting वाली बात है, मैं बहुत ही अचंबा हुआ ये सुनकर। अच्छा, तुम क्या खाते हो? I eat leaves, but there are no trees in the desert. मैं सिर्फ leaves खाता हूँ, लेकिन desert में तो नहीं होते हैं ये। So what do you do eat? दे तो तुम क्या खाते हो? तो कैमल कहता है there are thorny bushes in the desert. I eat the thorns. The thorns do not prick my thick tongue. अब वो कहता है थॉर्नी होता है मतलब कि कांटेदार मतलब कि कंटीली झाड़ियाँ ये होती हैं, इनको ये डेजर्ट में होती हैं, इनमें बहुत सारे कांटे कांटे छोटे छोटे से होते हैं, ये डेजर्ट में होते हैं। अब वो कहता है कि मैं ये खाता हूँ लेकिन मुझे जो है टंग में नहीं लगता है। हाउ फनी, ओह क्या मजाक है। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विद मी द डेजर्ट। अच्छा, किंग ऑफ द फॉरेस्ट जो जंगल के राजा है, आओ मेरे साथ डेजर्ट में। लायन, नो आई हैड बेटर नो नॉट, I can't walk on burning sand. I can't store food and water. And I can't eat thorns. Goodbye and good luck, Mr. Sheep of the Desert.
अब लायन कहता है नहीं बाबा नहीं, आप जाओ अपनी वहाँ पर डेजर्ट में, मैं मतलब ठीक हूँ अपने फॉरेस्ट में, ना ही मैं चल सकता हूँ सैंड के ऊपर, ना ही मैं स्टोर कर सकता हूँ फूड, ना ही मैं वाटर स्टोर कर सकता, ना ही मैं थॉर्न्स खा सकता हूँ। ओके गुड बाय एंड गुड लक, फिर मिलेंगे और गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। आपको ये लेसन ख़त्म हो गया, आपको समझ आया ये लेसन? हम न्यू वर्ड सीखेंगे, शिप ऑफ द डेजर्ट होता है, हम कैमल को कहते हैं ना, मतलब कि जहाँ पे मरुस्थल होता है, मतलब कि जहाँ पर मतलब कि सैंड ही सैंड होती है उसे कहते हैं हम, मतलब कि वो शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब कि उसे कहते हैं जहाज, मतलब उस शिप हो गया ना जहाज, तो कहते हैं डेजर्ट का जहाज। माइल्स होता है मील्स की दूरी। किंग ऑफ द फॉरेस्ट होता है जो हमारा लॉयन है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। सैंड होती है मिट्टी। थॉर्न्स होता है कांटेदार या कोई कंटीली चीज़। ठीक है, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके बाय।